30 बेड का अस्पताल। कोरोना संक्रमण के इस दौर में प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेवारी को समझे, तभी इस महामारी से मुक्ति मिलेगी। उक्त बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा के आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंगलवार को कही। बताया कि दिल्ली काठमांडू को जोड़ने वाले मुख्य पथ पर स्थित हजारीमल उच्च विद्यालय में अस्थायी रूप से 24 घंटे के अंदर कोरोना पीड़ितों के लिए 30 बेड का अस्पताल शुरू होगा, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और उपचार का आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध होगा। जिलाधिकारी ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है। सभी जिम्मेवार नागरिक की तरह शादी विवाह और श्राद्ध कार्यक्रमों को परिवार के लोगों तक ही सीमित रखें। मृत्यु दर को रोकने, बचने और बचाने के लिए मास्क जरूर लगाएं। सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी भी आवश्यक है। इसके पूर्व सांसद ने रक्सौल अनुमंडल के स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण भी किया। आज मैंने सुगौली, रामगढ़वा, रक्सौल तीनों स्थानों का दौरा किया। यहाँ सुगौली और रामगढ़वा में ऑक्सीजन के साथ बेड उपलब्ध है। रक्सौल में मैं डीएम का आभारी हूँ कि उन्होंने डंकन और एसआरपी को दिया कोरोना के मरीजों के लिए, लेकिन जो मुफ्त में जो पैसे देने में सक्षम नहीं है उनके भी इलाज की व्यवस्था रक्सौल में होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने माननीय विधायक प्रमोद सिन्हा जी ने, जिलाधिकारी ने और सिविल सर्जन ने चारों मिल करके यह निर्णय किया कि हम रक्सौल हजारीमल हाई स्कूल को कोरोना हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट करेंगे और कल से ही 30 बिस्तर ऑक्सीजन की सुविधा के साथ रक्सौल में भी शुरू हो जाएगा कि रक्सौल में कोरोना मरीजों का हॉस्पिटलाइजेशन हो सके। और उसके साथ ही मैं आम नागरिकों से भी अपील करता हूं, कृपया कर मास्क लगाएं, 2 गज दूरी रखें। आज भी कोरोना का कोई इलाज नहीं है और जो दवाइयां चल रही हैं उनसे किसी के भी बचने की पूरी गारंटी नहीं है। कोई ऐसा आज भी जो रेमडेसिविर हो, टॉसिलूमैब हो, जितनी भी दवाइयां हैं एक समय पे तो काम करती हैं, पर मोर्टेलिटी जो कहते हैं मृत्यु दर, उस पर रेमडेसिविर भी बचाने में कोई काम नहीं कर रही है। इसीलिए बचाने का और बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम सब हर हालत में मास्क पहने और 2 गज की दूरी बरकरार रखें। अस्पताल जाना कोरोना में कोई अकलमंदी का काम नहीं है। इसलिए मैं बिहार के सभी निवासियों से अपील करता हूं कि कृपया कर हर हालत में मास्क पहने और शादी ब्याह और श्राद्ध या तो अपने परिवार के भीतर रखें या फिर शादी ब्याह अभी 2 महीने के लिए टाल दें। यह कोरोना का पीक समय है और इस समय शादी में लोगों को बुलाना या श्राद्ध में परिवार के बाहर के लोगों को बुलाना सरासर बेवकूफ। दूसरे प्रदेशों के मुकाबले अभी तक कंट्रोल में है, परिस्थितियां जैसी होगी वैसा सरकार को निर्णय करना। अभी मौत का मरीज बीमार है नहीं है यह तो समझ में आता है कि लोग बीमार होकर अपनी बात नहीं बताएं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब जीवन और मृत्यु के बीच में फंसता है तो हर हालत में वो अस्पताल आता है। इसीलिए इस तरह के आंकड़े कभी गलत नहीं होते। कर्मियों का 4 महीने से वेतन नहीं है। अभी हम लोग उसको देख रहे हैं। दिक्कत क्या हो गई है कि हमारे 5 IAS अफसर संक्रमित हो चुके हैं। जो IAS अफसर मेडिकल कॉलेज में सैलरी देते थे उनकी दुखद मृत्यु हो चुकी है। इस परिस्थिति में भी हम लोगों ने सभी को सैलरी रिलीज भी किया है और 1 महीने का बोनस भी हर स्वास्थ्यकर्मी को हम देने जा रहे हैं। इसके साथ सरकार ने निर्णय लिया है कि डॉक्टर्स का और पैरामेडिकल का अभी हम सीधे वॉक इन इंटरव्यू लेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मियों को अस्पतालों में। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।